आज ही डाउनलोड करें हायर एजुकेशन का एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से और पाएं बीबीए ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग पे 50% का स्कॉलरशिप, जिसमें आपको मिलता है 400 प्लस वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एमसीक्यू एंड पीडीएफ्स प्लस लेटेस्ट एडमिशन अपडेट। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में आपको DUJET के बारे में बताया है, BMS एग्जाम के बारे में, कॉलेजेस के बारे में बहुत सारी डिटेल में हम वीडियोज़ पहले बना चुके हैं, बट आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमें DUJET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी होती है। सो DUJET एग्ज़ाम के बारे में सबसे पहले थोड़ा हम कुछ जानकारी लेते हैं कि DUJET प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कराया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसके अंडर में 3 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, BMS, BBA FIA एंड BA इकोनॉमिक्स। अगर आप इन 3 कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी जितने भी कोर्सेज हैं मेरिट बेस पे होते हैं और अलग अलग क्राइटेरिया है उनका एडमिशन का, बट अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, BBA फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको DUJET एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। DUJET एंट्रेंस एग्जाम 100 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क जाते हैं, नेगेटिव माइनस 1 का आपका डिडक्शन होता है। DUJET के अंदर आपके 2 मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है। जैसे एक आप एग्जाम दोगे, DUJET का एग्जाम देते हो, आपका जो स्कोर आएगा उसका 65% लिया जाएगा और आपका 12th क्लास का जो स्कोर होगा उसका 35% का वेटेज लेके दोनों का स्कोर कंबाइन करा के आपका एक रैंक अलॉट होता है। उसके बेसिस पे आपको काउंसलिंग के थ्रू BMS, BBA, FIA इन 3 कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। तो DUJET में कंपटीशन और डिफ़िकल्टी इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे आपके पास सीट्स के नंबर बहुत कम होंगे वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसमें 90s में जो बच्चे परसेंटेज लेके आते हैं, जो बच्चे 70s में लेके आते हैं उनके लिए कॉम्पिटिशन उतना ही टफ़ है जिस बच्चे के 60% मार्क्स है जितना उसके लिए टफ रहेगा। तो इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो 60% है और DUJET एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास मैथ्स का होना कंपलसरी है। सो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में BMS करना चाहते हो, शहीद सुखदेव कॉलेज जो टॉप कॉलेज माना जाता है जिसे स्टडी करना चाहते हो, तो आपको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इन 4 सेक्शंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड जनरल अवेयरनेस। ये 4 सेक्शन हैं जो आपको तैयारी करने हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया आपको कि NTM नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। अब लॉकडाउन की सिचुएशन है तो हो सकता है कि एग्ज़ाम आपका घर पर भी हो सकता है, बट होगा ज़रूर। तो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में आपको जो बेसिक ग्रामर है उसमें से क्वेश्चन आते हैं, जंबल वर्ड पूछ सकते हैं आपसे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस करेक्शन, टेंसेस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। रीजनिंग के अंदर आपको कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, सिलोजिज्म और वेन डायग्राम्स, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में LCM, HCF, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन और आपका एलजेब्रिक फंक्शंस, इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, उसके बाद आपके पास ज्योग्राफी, बहुत सारा वास्ट सिलेबस है आपके पास पढ़ने के लिए। मैंने DUJET के सिलेबस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी पहले, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। तो ये 4 सेक्शन हैं जिनकी आपको तैयारी अच्छे से करनी है, तो इसलिए DUJET का जो एग्ज़ाम है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आपकी प्रिपरेशन जो चल रही है उसमें आपको GK आपकी अपनी बढ़ानी है, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, एप्लीकेशन डालो फ़ोन के अंदर, टाइम्स ऑफ इंडिया डालो, हायर एजुकेशन जो हमारी खुद की एप्लीकेशन है जिसमें आपको DUJET की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, PDF डालो, आपको A to Z सारा मटेरियल मिल जाएगा यहाँ पे स्टडी करने के लिए। तो आपको डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, न्यूज़ चैनल देखो क्योंकि करंट अफेयर्स आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है DUJET के एग्ज़ाम के अंदर। जैसे आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करोगे आपके पास एक रैंक आ जाएगा, रैंक आने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी ऑनलाइन, जिसमें आप चॉइस फिलिंग करते हो, कॉलेज की प्रेफरेंस रखते हो कि अगर आपका सपोज करो रैंक बहुत अच्छा आया है तो आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आप फर्स्ट नंबर पे किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, वहाँ पे सीट अवेलेबल है तो वो आपको मिल जाएगी, नहीं है तो वो नेक्स्ट कॉलेज की तरफ आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो DUJET का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट आपको ये समझना है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो बोलता हूँ जिस भी बच्चे की 60% भी है मार्क्स, 60% वो भी अटैम्प्ट करे DUJET को, क्योंकि यू नेवर नो कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम किस लेवल पे प्रिपेयर किया आपने, दोनों की मेरिट कंबाइन करके आपको हो सकता है कि बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए।
अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि भाई मेरी भी परसेंटेज 12th में 90% आई, दूसरे की भी 90% आई और उसके भी एग्ज़ाम में इतने नंबर आए, तो कैसे आपका रैंक होगा? रैंक क्लैश कभी नहीं होता। आपकी जो एज है, जिस भी बच्चे की एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। सो DU JET की आप तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। अगर आपका टारगेट है, सबसे पहले माइंड में ये क्लियर करो कि अगर मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ मेरा फुल फोकस उसी पे होना चाहिए। जहाँ आपने माइंड में ये सोच लिया मैं इसका भी कर देता हूँ उसका भी कर देता हूँ कहीं ना कहीं तो मेरा नंबर आ ही जाएगा, तो वहाँ पे आपको बहुत डिफ़िकल्टी आएगी एग्ज़ाम टाइम पे और कॉलेज सिलेक्शन में। तो इससे बढ़िया आप प्राइवेट कॉलेज में जाके पढ़ाई करो, वहाँ की फ़ीस इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, इतनी अच्छी खासी फैकल्टी है। तो एक अच्छी क्वालिटी जगह पर जाने के लिए आपके पास 45 डेज़ हैं। 45 डेज़ में प्रिपरेशन करो, मन लगा के पढ़ाई करो। आपके पास A to Z स्टडी मटेरियल अवेलेबल है हायर एजुकेशन के एप्लीकेशन पे। बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में आपको ऑनलाइन कोचिंग दी जा रही है, 5000 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। तो आप इसका फ़ायदा उठाओ और पूरी पूरी तैयारी करो और उसके बाद अपने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है DU JET के एग्ज़ाम को लेके, सिलेबस को लेके, पैटर्न को लेके, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल हायर एजुकेशन के साथ इसी तरह की एजुकेशन कॉन्टेंट के लिए। थैंक यू सो मच।